यहाँ पर मैं इंटरव्यू करते जा रहा हूँ। आइए बात करते हैं कुछ व्यक्ति अंदर बैठे उनसे भी। यहाँ पर भी कुछ व्यक्ति बैठे हुए इनसे बातें करते। भाई साहब आपका नाम? सुरेश राणा। सुरेश राणा, ये तो गन्ना मंत्री हुआ करते हैं। हाँ बस कुछ भी समझ ना जी, मैं मीन बस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिलोंग में से मैं गांव भड़ल है। गांव भड़ल से? जी जी, शामली में रहते हो। तो जैसे कि अभी ये चुनाव दंगल चला हुआ, इस प्रक्रिया में आपका क्या कहना है? हम तो देखो लोकदल के साथ हैं पहले से ही, और अब गठबंधन के साथ हैं। सपा और लोकदल का जो गठबंधन हुआ ये सही हुआ। महंगाई बहुत ज़्यादा है इस सरकार में, लोग त्रस्त हैं। डीजल 100 रुपये लीटर हो रहा है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, और बाकी सारा ही सामान महंगा है। रही किसानों की बात, किसानों का टाइम पर पेमेंट नहीं हो रहा, सब परेशान है। बच्चों की फीस नहीं जाती, कोई बीमार हो जा उसके सामने बहुत दिक्कत है, बड़ी परेशानी। जैसे कि अभी गठबंधन है, अगर गठबंधन ना होता आप किसे सपोर्ट करते? लोकदल। लोकदल को सपोर्ट करते, तो लोकदल वाले तो अकेले भी इलेक्शन लड़ सकते थे। हाँ, लड़ सकते। फिर गठबंधन क्यों? गठबंधन जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्यों जरूरी था? जरूरी इसलिए था कि गठबंधन सही। फिर आप सक्षम नहीं है कि यह लोकदल अकेला जीत सके? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन समय के अनुसार करना पड़ता है। अच्छा, समय के अनुसार करना पड़ता, तो वही तो पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या समय था जो गठबंधन करना पड़ा? समय के अनुसार करना पड़ा, जरूरत थी गठबंधन। भाई साहब आपका नाम? बोबी राणा। बोबी राणा, राणा जी आप कहाँ से? बड़ल। आप भी बड़ल से ही है, तो आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? लोकदल। लोकदल, तो ये लोकदल कहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं आप? कितना सपोर्ट कर रहे हैं लोकदल के? अगर निर्दलीय ही लोकदल होता, सिर्फ गठबंधन ना होता, तो उसमें क्या करना चाहते आप? उसमें इतनी सीटें नहीं जीत पाते। अच्छा, तो गठबंधन में आप सीट अधिक निकाल पाएंगे? हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनेगी आपकी? सरकार बनेगी अपनी बार। तो सरकार बनने में आप क्या करेंगे? सही जो भी काम इन्होंने गलती कर रखी है उसे हम करेंगे, नहीं सही काम करेंगे हम तो। जैसे कि अभी महंगाई है, बेरोजगारी की है सबसे बड़ी समस्या, बेरोजगारी दूर करेंगे। बेरोजगारी तो 1,60,00,000 बेरोजगार अभी भी घूम रहे हैं। तो जैसे कि गन्ने पेमेंट की समस्या है, खुद सुरेश राणा अपने क्षेत्र का गन्ना वो निकलवा पाए, बजाज का, शामली का बकाया पिछले साल वर्ष का भी। हाँ, पिछले साल का 1-1.5 महीने का बकाया है अभी। वो तो अभी क्या चले गए 3 महीने? जी 3 महीने ये गए। तो सर क्या करेगा जो गन्ना मंत्री खुद अपने वो निकलवा पाए, बजाज का, शामली का बकाया पिछले साल वर्ष का भी। हाँ, पिछले साल का 1-1.5 महीने का बकाया है अभी। वो तो अभी क्या चले गए 3 महीने? जी 3 महीने ये गए। तो सर क्या करेगा जो गन्ना मंत्री खुद अपने मिल का पेमेंट निकाल? तो सरकार आने पे क्या करेंगे आप? पेमेंट टाइम से होगा और जयंती हमारे सही काम करेंगे। अच्छा, तो पेमेंट टाइम से होगा, महंगाई घटेगी? हाँ महंगाई घटेगी। ये जैसे पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे? देखो ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात है, ये तो है नहीं। जब सरकार आती है तो राष्ट्रीय जो उनका स्तर किया वो घटा देंगे, जयंती से जमीन थोड़े मिला देंगे। तो आए वर्ष फिर गन्ने का पेमेंट बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। तो किसान सुनने वाला है जैन चौधरी, तो किसान जागरूक हो सकता है जैन चौधरी की सरकार आने पे। भाई साहब आपका नाम? अरविंद कुमार। अरविंद जी आप कहाँ से? शामली से। खास शामली से? तो शामली में क्या रुझान है? शामली में तो वो जीतता का प्रसन्न चौधरी। प्रसन्न चौधरी, तो जैसे कि कह रहे हैं कि तेजिंदर निरवाल भी बहुत अच्छी लीड लेके चलेंगे और बहुत अच्छा उनका यहाँ समर्थक है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, तो इस बारे में? वो जीता तो दिया था पहले यहाँ की पब्लिक ने। जी प्रसन्न चौधरी को जिताओगे? अच्छा नहीं, प्रसन्न चौधरी को तो जिताएंगे, वो तो बात सही है। क्या उन्होंने कार्य नहीं किया? नहीं कराया, उन्होंने भी बेचारे ने जीता किस्त होया, पर उसका सही नहीं हुआ सारा। सही नहीं हुआ, तो और कोई आप कोई बात सरकार से कहना चाहेंगे? बस सरकार दे तो और के इसे ही जिताऊंगे वो सिर्फ प्रसन्न चौधरी को। हाँ भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम मंजूर अहमद है। मंजूर अहमद जी, आप मोमडन है जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं शामली से करता हूँ जी। अच्छा, तो आप बीजेपी सरकार में खुश रहे? देखो खुश की तो ये बात है, हम और ज्यादा खुश हो जाते अगर हमारे योगी जी हमें ईद पे शुभकामनाएं कि आप हमें
सरकार ऐसी मानती है जैसे हम हिंदुस्तान के नागरिक ना हो। अच्छा, कम से कम ईद, दिवाली, बकरीद ये सभी के त्योहार हैं। हम ईद, हम होली, दिवाली सब साथ मिलकर मनाते हैं जी। एक थाली में हम खाते हैं, एक गिलास में हम पानी पीते हैं। फिर ये कहां से आ गया है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, वे कम से कम टीवी पर आके ये तो कहते हैं मुसलमान भाइयों को कि ईद मुबारक हो। अच्छा, कम से कम हम भी उन्हें वोट देते ऐसी बात नहीं। तो अब आप वोट नहीं देंगे? अब हम जो है गठबंधन को वोट देंगे, अखिलेश और जयंत चौधरी जी को। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बताया कि उनका एक मुद्दा है, हिंदू मुंडन का अलग मुद्दा है, तो जैसे कि ये मुद्दा तो अब भी चल सकता है? मुद्दा है उन्होंने बना रखा सरकार ने। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, वे कम से कम टीवी पर आके ये तो कहते हैं मुसलमान भाइयों को कि मुबारक हो। अच्छा, कम से कम हम भी उन्हें वोट देते ऐसी बात नहीं। तो अब आप वोट नहीं देंगे? अब हम जो है गठबंधन को वोट देंगे, अखिलेश और जयंत चौधरी जी को। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बताया कि उनका एक मुद्दा है, हिंदू मुंडन का अलग मुद्दा है, तो जैसे कि ये मुद्दा तो अब भी चल सकता है? मुद्दा है उन्होंने बना रखा सरकार ने। हम आपस में हिंदुओं में रहता हूँ जी, मैं 24 घंटे हिंदुओं में रहता हूँ, मेरा घर भी हिंदुओं में ही है जी। हम दुख में, दर्द में हम सब साथ रहते हैं, एक ही थाली में हम खाना खावे बैठ के, इतनी मोहब्बत है हमारे में। पर ये सरकार जब भी इलेक्शन आती है ये कराती है झगड़े। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपस में रहें, वो अपना मर्जी है वोट किसे देना नहीं देना, वो तो सबका अपना दायित्व है कि किसे किसे वोट देना। नहीं, आप किसे देंगे वोट? हम तो लोकदल गठबंधन को देंगे। अच्छा, आप सपा को देंगे, सिंबल को देंगे कि गठबंधन को देंगे? जो गठबंधन में उसे देंगे वोट। नहीं, मेरा मतलब ये है आप सपा सरकार को वोट देंगे कि सिंबल को वोट देंगे? सपा को वोट देते हैं। तो सपा को वोट देंगे आप, तो गठबंधन को नहीं देंगे आप? नहीं, गठबंधन है तो गठबंधन को देंगे। नहीं, मैंने पूछा आप सपा को वोट देंगे, सिंबल को वोट देंगे कि गठबंधन को वोट देंगे? सिंबल तो लोकदल का भी है ना, वो गठबंधन है ना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोकदल को सपोर्ट कर रहे हो या सपा को सपोर्ट कर रहे हो? दोनों का गठबंधन है फिलहाल, तो अगर इनमें से दोनों के अलग अलग कैंडिडेट होते आप किसे सपोर्ट करते? तो फिर हम जो है अखिलेश को सपोर्ट करते, सपा को सपोर्ट करते। आपका नाम? विनोद कुमार। विनोद जी, आप कहाँ से? छपरौली। छपरौली से? छपरौली तो चौधरियों का गढ़ कहा गया है, तो फिर वहाँ चौधरी अजीत सिंह क्यों हारे थे? हारे कब से? जबरदस्ती हराए सरकार ने। सरकार ने कैसे हरा दिए? रात के 12 बजे लठ लगा लगे थे और मरवाता वहाँ आदमी को। नहीं नहीं नहीं, आप ये बताओ सरकार ने कैसे हराए? जयंत को डिक्लेयर किया था जी शुरुआत में जी, 1.5 घंटे बाद क्यों पलटी मारगी जी, क्योंकि वहां लट लगने लगे शुरू जी। जयंत ने साहब कह दिया, अजीत सिंह का आदेश था मरवाने के लिए नहीं आया हूँ, चुनाव हार जाऊं 10 बार जी, लेकिन जनता को मरवाने के लिए नहीं हूँ मैं, भाजपा तो मारने के लिए आवे नहीं। जब आपके गढ़ में ही वो ऐसी स्थिति बन जाती है तो वो तो स्थिति अब भी बन सकती है? नहीं बनती अब की बार। क्यों? किसान आंदोलन 12 महीने वहाँ नहीं पड़े बॉर्डर पर। तो मैं उसी बात को तो कह रहा हूँ, ये बात तो आप पहले भी कर सकते। आप राणा जी पूछे गठबंधन जरूरी क्यों किया, भाजपा ने 24 से गठबंधन करे क्या? भाजपा क्यों गठबंधन में पड़ रही? मैंने भाजपा की बात नहीं की, मैंने गठबंधन की बात की, लोकदल और सपा की बात की। तो इनका तो रहेगा। तो जैसे कि आपकी स्थिति क्या है छपरौली की? जीत कर जाएगा। आस पास के क्षेत्रों में भाजपा छपरौली और पर सब जाएंगे जीत के अपने? मैं राजू चौधरी निखिल मलिक के साथ अभी मैं जनपद शामली में हूँ, ये दिल्ली बस अड्डा कहा जाता है। मैं आइए यहाँ पे जितने भी समाज सेवी व्यक्ति खड़े हुए, आने जाने वाले व्यक्ति खड़े हुए, इनसे बातें करते हैं कि ये किस पार्टी को वोट देंगे। भाई साहब आप कहाँ से हैं? गांव ककड़ीपुर से। गांव ककड़ीपुर। आपका नाम? पुष्पेंद्र है। पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र जी आप वोट किसे देना चाहते हैं? भाजपा के। भाजपा को? भाजपा में जी मगर भाजपा की देंगे जी, भाजपा की देंगे। अच्छा, भाजपा की देते आ रहे हो आप, तो भाजपा में ऐसा आपने क्या देखा कि भाजपा को वोट दे रहे हो? देखे जी सब दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। नहीं, सब तो ये कह रहे हैं कि गठबंधन को देंगे, लोकदल को देंगे, ये सब तो ऐसा कह रहे हैं। भाजपा को? अच्छा, भाजपा को वोट देंगे। हमारे गांव में तो भाजपा ही है जी। आपका नाम? अंकित कुमार। अंकित, अंकित पूरा गांव भाजपा का है? नहीं जी, कुछ है कुछ नहीं है। ककड़ीपुर में कुछ गांव, कुछ व्यक्ति, कुछ व्यक्ति ऐसे है कि जो बीजेपी के हैं, कुछ व्यक्ति गठबंधन के हैं। कांग्रेस को भी देंगे? देंगे जी कुछ, हम तो जी भाजपा को देंगे। अच्छा, भाजपा को देंगे। तो यहाँ पर काफी भीड़ है, पर किसी व्यक्ति से बात करें
तो सब यही कहते हैं कोई बीजेपी को कोई गठबंधन को। आपका नाम? आपका नाम क्या? शौकीन है। शौकीन, शौकीन जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये लोहरीपुर। लोहरीपुर। शौकीन जी आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? गठबंधन को। गठबंधन को। वहाँ पर कौन उम्मीदवार है? प्रसन्न चौधरी। प्रसन्न चौधरी, अच्छा अच्छा। तो जैसे प्रसन्न चौधरी वहाँ पे गए हुए तो गठबंधन कोई सपोर्ट करे, बीजेपी को भी वहाँ कोई सपोर्ट कर रहा है? जी बीजेपी करे रहते हैं। गाँव का वोटिंग कितना है? गाँव वोटिंग लगभग 1100 है। 1100, 1100 में से गठबंधन का कितना है? गठबंधन है कम से कम आधा है। आधा, आधा बीजेपी का। तो अभी आपने देखा है यहाँ पर कुछ लोग गठबंधन की बातें कर रहे हैं, कुछ बीजेपी की बातें कर रहे हैं। हम ये है सर्वे गांव-गांव जाकर कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। और अभी हम आपको जिन जिन गाँव की इन्होंने बात की, इनके गाँव के अंदर भी जाऊँगा और वहाँ से आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाऊँगा। तो आप बने रहिए राजीव चौधरी के साथ, निखिल मलिक के साथ। नमस्कार।